आज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज इन मशरूम ओनली वर्ल्ड में, जहाँ पे ना ही कोई मॉब स्पॉन होते हैं और ना ही कोई हॉस्टाइल मॉब। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मशरूम का स्पॉन होती है, सो हमें यहाँ फूड की कोई कमी होने वाली नहीं है। एक मजे की बात बताता हूँ तुम लोगों को कि यहाँ एक भी ट्री स्पॉन नहीं होता और ना ही विलेज। भाई मैं यहाँ पे करूँगा क्या, खाऊँगा और सोऊँगा? लेकिन नहीं, इस वीडियो में मेरे दो गोल्स हैं। नंबर 1, डायमंड का आर्मर और टूल्स लेना। नंबर 2, एंडर ड्रैगन को डिफीट करना। और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, डे 1 की शुरुआत हो चुकी है और मैं स्पॉन हो चुका हूँ अपने कस्टम वॉल पे, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मशरूम ही मशरूम दिख रही है, बाकी का कुछ है नहीं। सो पास में ही एक रवीन है, मैं रवीन के पास ही स्पॉन हुआ हूँ। और भाई, इस रवीन को देख के मुझे एक ही चीज़ याद आ रही है, डायमंड। पैसा ही पैसा हो गया। और भाई, ये वर्ल्ड कितना प्यारा लग रहा है, और ये सन को देखो, मज़ा ही आ गया। भाई मैं अभी मरते मरते बचा हूँ, और मेरे साथ ऐसा होते रहता है। सो अब ऊपर चलते हैं और अपने गोल्स पे ध्यान देते हैं, जो कि है डायमंड। लेकिन हम डायमंड कैसे माइन करेंगे? फिलहाल तो हमारे पास कोई टूल्स ही नहीं है और ना ही यहाँ ट्री स्पॉन होते हैं। सो मुझे या तो माइन शाफ्ट ढूंढना पड़ेगा या फिर रूइन पोर्टल, जिससे कि हम लकड़ियाँ इकट्ठा कर सकें। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे काफ़ी सारा खाना चाहिए, जिसकी कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पूरा खाना ही खाना है भाई। सो गाइस, मैंने काफ़ी सारा खाना इकट्ठा कर लिया है, और तुम लोग देख सकते हो कितना सारा है। भाई मुझे इतनी की ज़रूरत भी नहीं थी, फालतू मैंने इतना मेहनत किया। और भाई, अब मुझे माइनिंग पे जाना चाहिए, और पास में ही एक केव भी है, और ये भाई काफ़ी बड़ी है, तुम लोग देख सकते हो कितनी बड़ी है। और ये मेरे साथ हमेशा होते रहता है, सो इसे इग्नोर करो। भाई ऐसा ही चलता रहा तो मैं 10 दिन भी नहीं सर्वाइव कर पाऊँगा। सो भाई, मुझे नीचे पानी दिख रहा है, अगर मैं इसमें नहीं कूद पाया तो मैं तो गया भाई। भाई काफ़ी नीचे है, पता नहीं हो पाएगा भी नहीं। तुम्हारा भाई प्रो है भाई। मुझे यहाँ पे गोल्ड भी मिला, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। भाई गोल्ड में जंग लगा हुआ था। केव में थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद मुझे क्या मिला भाई? मेरी आंखों पे तो मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था उस टाइम पे। मुझे माइनक्राफ्ट मिल गई। अब मेरा हर वो सपना पूरा हो सकता है जो मैंने अभी इस वर्ल्ड में देखा है। अब मेरे पास भी अपना एक आर्मर होगा, एक घर होगा, और मैं भी एंडर ड्रैगन को डिफीट कर सकता हूँ। जिसके बाद मैं जल्दी से गया और यहाँ से प्लैंक्स तोड़ना शुरू कर दिया। और मैंने यहाँ से काफ़ी सारे प्लैंक्स तोड़े। फिर मैंने उस प्लैंक से एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया, जिसके बाद मैंने एक पिकैक्स बना ली। और भाई, मैंने वुड का सिर्फ पिकैक्स ही बनाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं वुड को बर्बाद करूं। जिसके बाद मैंने यहां से काफ़ी सारा स्टोन माइन किया। फिर मैंने अपने सारे टूल्स को स्टोन का बना लिया। फिर मैंने यहां से प्लैंक्स तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई मुझे ये डायमंड से कम नहीं दिख रहे थे, तो मैंने काफ़ी सारा यहाँ से प्लैंक्स तोड़ा। माइनक्राफ्ट में चलते चलते मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली, जिसमें कुछ टॉर्चेज और ग्लोबेरीज वगैरह थी। लेकिन यहाँ पे मुझे एक काम की भी चीज़ मिली, जो कि थी फ्लेम की बुक। तो मैंने इसे ले लिया, और मैंने इस चेस्ट को भी ले लिया, आगे चल के काम आएंगे। चेस्ट के पास ही मुझे कुछ आयरन भी दिखे, तो मैंने इसे भी कलेक्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ टोटल 4 आयरन मिले थे मुझे। जिसके बाद मैं थोड़ा ही आगे गया, तो यहाँ पर मुझे कुछ गोल्ड के ब्लॉक भी दिखे। सो मैं इस गोल्ड ब्लॉक को भी माइन कर सकता था आयरन की पिकैक्स बना के। तो मैंने फटाफट से एक फर्नेस बनाई, और मेरे पास जितने भी आयरन थे मैंने उसे स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। थोड़ी देर वेट करने के बाद वो आयरन स्मेल्ट भी हो गया, और मैंने इसे एक पिकैक्स बना ली। और जितने भी यहाँ पे गोल्ड के ब्लॉक थे मैंने उसे माइन करना शुरू कर दिया। और हाँ, यहाँ पे काफ़ी सारी कॉब्वे भी थी, सो मैं इसे बेड बना सकता था। तो मैंने यहाँ से काफ़ी सारा कॉब्वे भी जमा किया। जिसके बाद मुझे एक और चेस्ट मिली, और भाई इसमें काफ़ी ज़्यादा कबार ही कबार था। और ये लॉयल्टी का बुक तुम लोग देखो, मैं इसका करूँगा क्या? यहाँ पे तो एक भी ड्रोन स्पॉन ही नहीं होता। ड्रोन छोड़ो, कोई भी जॉम्बी थी स्पॉन नहीं होता। ऐसे ही मैं घूम रहा था, और मुझे लग रहा था कि यहाँ पे एक भी जॉम्बी नहीं होगा तो मेरे पे हमला भी नहीं होगा। लेकिन माइनक्राफ्ट में तो स्पॉनर होते ही हैं, और यहाँ पे मेरे पे हमला भी हो गया। भला हुई जल देवता का, जिसने मुझे बचा लिया।
जिसके बाद मैंने अपने आप को इस कोने में ब्लॉक किया और फिर मैंने अपनी पूरी हेल्थ की। सो भाई दोबारा से मैं लग गया आयरन माइन करने में और मैंने लगभग माइनक्राफ्ट पूरा एक्सप्लोर कर लिया था और मुझे यहाँ पे जितने भी आयरन मिले थे मैंने सारा कलेक्ट कर लिया था और कुछ गोल्ड भी मिले थे, लेकिन भाई यहाँ पे एक भी डायमंड नहीं मिला मुझे। सो अब मुझे माइनक्राफ्ट में कुछ मिलने वाला है नहीं। और रही प्लैंक्स की बात, तो मैं दोबारा से आके यहाँ से ले सकता हूँ। जिसके बाद मैं केव में गया और मुझे यहाँ से भी कुछ आयरन मिले, सो मैंने इसे भी कलेक्ट करना शुरू कर दिया। सो भाई यहाँ पे काफ़ी सारा गोल्ड भी था, सो मैंने उसे भी माइन किया। जिसके बाद मुझे लावा के पास एक और गोल्ड का ओर दिखा, सो मैंने उसे भी माइन करने के लिए जब मैं गया और जब मैं उसे माइन करके वापस आ रहा था तो मुझे यहाँ पे एक डायमंड मिला। सो भाई इस वर्ल्ड का मेरा पहला डायमंड है और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि भाई तुम लोग सोच नहीं सकते। केव से मुझे काफ़ी सारा आयरन, गोल्ड और डायमंड मिला, सो मैंने सबको माइन करना शुरू कर दिया। केव को मैंने काफ़ी सारा एक्सप्लोर कर लिया था और मुझे अब यहाँ से डायमंड मिल नहीं रहे थे और मेरे पास इतना भी डायमंड नहीं हुए थे जिससे कि मैं आर्मर और टूल्स बना सकूं। जिसके बाद मैंने स्ट्रिप माइनिंग करने की सोची और मैं वाई लेवल 59 पे चला गया और भाई नीचे जाते ही मुझे लावा मिल गया। सो इसे मैंने पानी डालकर ऑब्सीडियन में कन्वर्ट कर लिया, जिसके बाद स्ट्रिप माइनिंग करना शुरू कर दिया। और भाई तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो मुझे कितना सारा डायमंड मिला है। सो अब मेरे पास इनफ डायमंड हो चुके हैं और भाई तुम लोग ये देखो टनल मैंने कितनी बड़ी खोद डाली है और मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा और मेरी पिकेक्स भी टूट गई थी बीच में, सो मैंने डायमंड का एक पिकेक्स भी बना लिया है। और यहाँ से कुछ ऑब्सीडियन भी ले लेते हैं जिससे हम नेदर पोर्टल बनाएंगे। सो मैं माइनिंग से वापस आ चुका हूँ और मेरे पास काफ़ी सारा सामान हो चुका है। मुझे टोटल 48 डायमंड मिले थे यहाँ से, सो मेरे पास फ़िलहाल अभी 45 है। मैंने 3 से अपनी एक पिकेक्स बना ली थी। मेरे पास काफ़ी सारा आयरन और गोल्ड भी हो चुका है, फ़िलहाल के लिए काफ़ी है और मैंने ज़्यादा आयरन और गोल्ड माइन किया नहीं। अगर आगे मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर से दोबारा माइनिंग पर जा सकता हूँ। सो अब इस डायमंड से अपने लिए एक आर्मर बनाते हैं। मेरा पूरा का पूरा डायमंड सेट आर्मर तैयार हो चुका है और अभी इसे जल्दी से पहनते हैं। और ये बारिश भी शुरू हो गई, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इस डायमंड के आर्मर से अपनी ये जंग नहीं जीत सकता, इसके लिए मुझे चाहिए टूल्स। सो मैंने अपने सारे टूल्स को डायमंड में अपग्रेड कर लिया, जिसके बाद मैंने एक फर्नेस बनाया और मेरे पास जितने भी आयरन थे मैंने उसे स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। और मैंने एक और फर्नेस बनाया और मेरे पास जितने भी फूड थे सारे को कुक करने के लिए रख दिया, भाई खाना भी तो ज़रूरी है। फिर मैंने 2 चेस्ट बनाया और मुझे जितना भी सामान मिला था माइनिंग से मैंने सबको उसमें स्टोर कर दिया। जिसके बाद मैंने एक नेदर पोर्टल बनाने की कोशिश की और कोशिश में ये क्यों बोल रहा हूँ तुम लोग ये देख सकते हो। फिर मैंने इस नेदर पोर्टल को ठीक किया, लेकिन मेरे पास इसे लाइट अप करने के लिए फ्लिंट नहीं था। सो मैं उस रवीन में गया और वहाँ पे मैंने ग्रेवल देख रखा था पहले, तो मैंने वहाँ से कुछ ग्रेवल माइन किए तो मुझे यहाँ पे फिर फ्लिंट भी मिल गया। जब मैं रवीन से वापस आया तो मैंने देखा कि रात भी हो चुकी है, तो मैं सो गया। जब मैं उठा तो मेरा सारा का सारा आयरन स्मेल्ट हो चुका था और फूड भी सबको कलेक्ट किया और मैंने अपना ये गोल्ड भी स्मेल करने के रख दिया क्योंकि मुझे एक गोल्ड का आर्मर भी चाहिए, नहीं तो ये पिगलिंस मुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर मैंने यहाँ पे एक गोल्ड का बूट बनाया और उसे पहन लिया, जिसके बाद मैंने नेदर पोर्टल को लाइट अप किया और उसमें छलांग लगा दी। जब मैं नेदर में गया तो वहाँ पे मैं एक गुफा में स्पॉन हुआ था और यहाँ पे काफ़ी सारा कॉर्ड थे तो मैंने सबको माइन किया। यहाँ से मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉर्ड माइन किया, जिसके बाद मैं उस गुफा से बाहर निकला तो मुझे यहाँ पे कुछ ग्लो स्टोन दिखे, तो मैंने उसे भी माइन कर लिया। फिर मैं थोड़ा सा ही आगे गया था तो मुझे नेदर फोर्ट्रेस दिखा, तो मैं उसके अंदर गया और मुझे एक चेस्ट मिली जिसमें 2 डायमंड और एक गोल्ड इंगट था और ये पिगलिन उसकी रखवाली कर रहा था, लेकिन मैंने उसके पैरों के नीचे से ये चेस्ट खिसका ली। थोड़ा ढूंढने के बाद मुझे ये नेदर वार्ड का रूम भी मिला, तो मैंने सारा नेदर वार्ड भी कलेक्ट किया और मैंने इस सोल सैंड को भी कलेक्ट कर लिया, फ्री की चीज़ कौन छोड़ता है। जिसके बाद मुझे एक और चेस्ट मिला जिसमें सिर्फ और सिर्फ सैडल था। फिर मुझे दूसरा नेदर वार्ड का रूम मिला, तो मैंने यहाँ का भी नेदर वार्ड कलेक्ट कर लिया और सोल सैंड भी। जिसके बाद मुझे एक ब्लेज मिला, सो मैंने उसे मारा लेकिन मुझे इससे ब्लेज रॉड मिला नहीं। फिर मुझे दूसरा भी ब्लेज मिला तो मैंने उसे भी मारा, सो इसने मुझे ब्लेज रॉड दे दिया। और भाई इस बीच में एक पिगलिन आ गया था, अगर इसे एक भी हिट लग जाता तो इसका पूरा खानदान मुझे कच्चा चबा जाता। जिसके बाद मुझे ये काला कंकाल मिला, सो मैंने इसे मारा लेकिन इसने कुछ दिया नहीं।
फिर मुझे विलेज का स्पॉनर मिला, लेकिन बीच में लावा थी, तो मैंने ऊपर जाके पहले लावा सोर्स बंद किया, उसके बाद विलेज से फाइट ली। काफ़ी लंबी फाइट चलने के बाद मैंने यहाँ से काफ़ी सारा विलेज रॉड इकट्ठा कर लिया था, जिसके बाद मैं वार फॉरेस्ट में गया और यहाँ से काफ़ी सारा वुड इकट्ठा किया, क्योंकि ओवरऑल में एक भी ट्री नहीं है। जिसके बाद मैंने एक टनल बनाया और यहाँ पे काफ़ी सारा एंडरमैन को मारा। जिससे मेरे पास इनफ एंडर आई हो चुके थे। जिसके बाद मैंने यहाँ से कुछ सोल सैंड भी कलेक्ट किया और अपने ओवर वर्ल्ड में वापस आ गया। नेदर से वापस आने के बाद अब बारी थी घर बनाने की, लेकिन मैं माउंटेन पे था और मुझे माउंटेन पर घर बनाना नहीं था, जिसके लिए मैं नीचे गया और वहाँ पे घर बनाने की प्रोसेस शुरू कर दी। सबसे पहले मैं चेस्ट बनाया और मेरे पास जितना भी सामान था मैं नेदर से लाया था सबको मैंने उसमें रख दिया। उसके बाद मैंने काफ़ी सारा डर्ट इकट्ठा किया और इस जगह को फ्लैट करना शुरू कर दिया। अब बारी थी एक घर बनाने की, तो तुम लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो। गाइज, काफ़ी दिनों के मेहनत के बाद हमारा घर तैयार हो चुका है और मैं तुम लोग को एक छोटा सा टूर दे देता हूँ। ये हमारा वॉच टावर है और मैं नीचे चल के तुम लोग को दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैंने अपना बेड रखा है और मैंने पूरे में रूम लाइट की लाइटिंग कर दी है, उस पर ट्रैप डोर भी लगा दिया है और इस साइड मैंने अपना ये फर्नेस और चेस्ट वगैरह रखा है। सो अब मेरे पास वो हर चीज़ हो गई है जिससे मैं एंडर ड्रैगन से फाइट ले सकता हूँ। जिसके बाद मैंने कुछ एंडर आई बनाया और बाहर जाके उसे थ्रो किया, तो इस डायरेक्शन में जा रहा था लेकिन मेरा एंडर आई टूट गया और रात भी होने वाली थी, सो फिर मैं सो गया। अगले दिन मैं उसी डायरेक्शन में निकल गया जिस डायरेक्शन में एंडर आई गया था। थोड़ी ही दूर जाने के बाद मैंने फिर से दोबारा एंडर आई फेंका, सो फिर उसी डायरेक्शन में जा रहा था लेकिन फिर से एंडर आई टूट गया। फिर मैं थोड़ा सा आगे जाने के बाद फिर से थ्रो किया, तो वो पीछे जा रहा था लेकिन फिर से एंडर आई टूट गया। लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग होल मिल चुका था, तो मैंने यहीं पे नीचे डिक किया और नीचे जाने के बाद हमें स्ट्रॉन्ग होल मिल गया था। फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे एक जॉम्बी स्पॉनर मिला और उसके बाद मैंने इस चेस्ट में चेक किया तो यहाँ पे एक मेंडिंग की बुक थी, जिसके बाद मुझे पोर्टल रूम भी मिल गया। फिर मैंने सिल्वर फिश का ये स्पॉनर तोड़ दिया और भाई ये सिल्वर फिश मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो मैंने इसे भी मार दिया। जिसके बाद मैंने पोर्टल को एक्टिवेट किया लेकिन मुझे याद आया कि मैंने लाइब्रेरी तो लूटा ही नहीं, तो मैं दोबारा लाइब्रेरी की खोज में चला गया और मुझे लाइब्रेरी भी मिला। तो मैंने यहाँ से काफ़ी सारा बुक इकट्ठा किया और दो चेस्ट मिले थे मुझे, तो इसमें दो बुक भी थे तो मैंने उसे भी ले लिया। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे दूसरी लाइब्रेरी भी मिली, सो मैंने यहाँ से भी काफ़ी सारा बुक इकट्ठा किया। बारी थी भाई एंडर ड्रैगन को डिफीट करने की, तो मैंने बिना सोचे उस पोर्टल में जंप लगा दिया और मैं स्पॉन हो चुका था एक दूर से आइलैंड पे। थोड़ी दूर थी, लकली मैं काफ़ी सारा ब्लॉक लेके आया था, सो मैंने यहाँ पे ब्रिज बना के मेन आइलैंड पे चला गया। फिर यहाँ पे जितने भी एंड क्रिस्टल थे मैंने एक एक करके सारे को तोड़ दिए। और भाई मैं नीचे देख रहा था और मैं नहीं चाहता था कि एंडरमैन मेरे पे हमला करे। सो अब बारी थी एंडर ड्रैगन को मारने की। जैसे ही एंडर ड्रैगन नीचे आता था मैं उसे मारना शुरू कर देता था और भाई उसने भी काफ़ी बार मुझे ऊपर उछाल दिया, मैं काफ़ी बार मरते मरते बचा हूँ।
लेकिन फाइनली मैंने एंडर ड्रैगन को डिफीट कर दिया था और इस एंडर वर्ल्ड को आज़ाद कर दिया। जिसके बाद मैंने एंडर ड्रैगन के एग को कलेक्ट करने की सोची, और भाई मैंने जैसे ही इसे हिट किया पता नहीं ये कहाँ गायब हो गया और मुझे ये मिला भी नहीं। मैंने काफ़ी ढूंढा, जिसके बाद मैं अपने ओवर वर्ल्ड में वापस आ गया। सो कुछ इसी तरह से मैंने मशरूम ओनली वर्ल्ड में 25 डेज कंप्लीट कर लिए थे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। अगर तुम लोग का कोई सजेशन है तो तुम लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।